श्रीनगर के श्रीकोट क्षेत्र में एक बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ एक वाटर टैंक ने महाराष्ट्र की 5 महिलाओं को कुचल डाला। इस हादसे में अब तक 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है, जबकि 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल है। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि वाटर टैंकर ने पहले एक गाय को कुचला और फिर महिलाओं को कुचल डाला। इस हादसे में घायल 3 महिलाओं को 20 अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि सभी महिलाएं बद्रीनाथ से दर्शन करने के बाद श्रीनगर में रुकी हुई थी। वाटर टैंकर चालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। श्रीनगर से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। मैं अभी ऊपर से आ रहा था थोड़ी देर पहले, आधा घंटा पहले, ठीक है। और यहाँ से पानी का टैंकर आ रहा था, मैं ये पहले मेरी साइड आया, फिर मैंने अपनी गाड़ी ऊपर की साइड काटी, फिर उस यहाँ पर गाय लेटी हुई थी, इसने गाय के ऊपर अपनी गाड़ी चढ़वा दी। गाय के ऊपर फिर इसने गाड़ी चढ़ाने के बाद यात्री बैठे हुए थे सामने, यात्रियों के ऊपर इसने गाड़ी चढ़ाई तो उसके नीचे 2 यात्री आए, पहले से दबे पड़े थे, और बगल में एक और लड़की थी, उसके शायद पहिया लगा या जो भी लगा होगा, इतना मुझे नहीं पता, पर मैंने नीचे जो गाड़ी के नीचे देखा तो उसमें यात्री दबे हुए थे। बस यही बात है भाई, सर इसमें लगभग 4 यात्री या 5 यात्री ऐसे कुछ दबे हुए हैं। एक्चुअली ये 4 धाम यात्री हैं महाराष्ट्र के, जो 4 धामों की यात्रा करके और वापसी के टाइम पे हमारे श्रीकोट में एक हॉस्पिटल में रुके हुए थे, और ये रोड साइड में बैठे हुए थे, आराम कर रहे थे लोग, और एक अनियंत्रित वाहन से दुर्घटना हुई है जिसमें 2 महिलाओं की तो ऑन स्पॉट डेथ हो गई है, बाकी 3 महिलाएं जो घायल अवस्था में हमारे इमरजेंसी विभाग में लाई गई, तो हमारी सर्जरी की टीम ने, ऑर्थो की टीम ने और हमारी इमरजेंसी टीम ने सभी लोगों ने उनको फर्स्ट एड दिया है। वो तीनों जो लेडीज हैं वो स्टेबल कंडीशन में है, उसमें से एक महिला के पैर में फ्रैक्चर है, उसको भी स्टेबलाइज कर दिया गया है और उसको भर्ती कर दिया गया है।